विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय बिलासपुर में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज दिव्यांग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों से 500 दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल हुए। वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने खेल विभाग का आभार जताते हुए आने वाले समय में प्रदेश के बेहतरीन खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई। इंटरनेशनल के लिए मेरा अबू धाबी में नंबर पड़ गया और मैं अबू धाबी में मैंने सिल्वर मेडल जीत के स्कूल को आया। मैं बिलासपुर पे आया हूँ, मैंने एथलेटिक्स पे अपना नाम दर्ज लिखवाया है और मैं एथलेटिक्स पे नेशनल को सिलेक्शन कराऊँ और फिर इंटरनेशनल को मैं उससे आगे गोल्ड मेडल जीत के आऊँ। यह जो प्रतियोगिता है ये पहले तो हर ज़िला में होती है, तो उसके बाद राज्य स्तर पर इसका आयोजन होता है। आज यहाँ पर 10 जिलों के हमारे नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को जितने भी हैं, 10 दो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर 500 जो हैं हमारे दिव्यांग जो हैं बच्चे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बिलासपुर का सौभाग्य है कि हमें मेजबानी का मौका मिला। राष्ट्रीय स्तर पर तो जाएंगे ही जो यहाँ चयनित होंगे, और मुझे आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहेगा और ये प्रदेश और ज़िला को और देश को जो है गौरवान्वित करेंगे। और मैं शुभकामनाएं प्रशासन की ओर से, अपनी ओर से आयोजकों को, सभी संबंधित विभागों को, जितने प्रतिभागी हैं, इनके अभिभावक और इनके जो कंटिंजेंट इंचार्जेस हैं उनको देना चाहूँगा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से रिशु प्रभाकर की रिपोर्ट।